रही हैं और इनकी बात कर रही हैं। एपिक में महाकाव्य में तो विलेन भी हीरो जैसा लगभग नजदीक जैसा होता है, सत्यम। अब ये जो चीज आप देखा रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये तो बहुत अलग है। इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए उनके रावण में बहुत सारे गुण हीरो वाले हैं, उसकी कुछ गलतियां हो सकती है यहाँ पे। तो ढूंढना पड़ेगा। श्री रामम सम्मुखे स्थापयामः तर्हि तत् इतना अंतर नहीं आएगा, इतना अंतर नहीं है। प्रतिनायक नो जवान होते नायक और प्रतिनायक मां आ प्रतिनायक तरीके ज नाटक मां आपरा नायक अत्र तस्य एव उत्तर रूपेण मया लिखितम अस्ति। अन्य चलचित्रेषु सम्यम् समयम् एव अवलोक्यते क्वचित् प्रतिनायकस्य पात्रं धीरोदत्त नायकस्य पात्रे सूक्ष्मतमः भेदः यथा अत्र डॉन टू किक तीस्मा का आदिशु तरी एतत् शूरो मत्सरी माई शौद्रः पश्यामः चेत् दक्षिण नायक मा पण एवू छे के तमे जे उदाहरण आप्युं के आ दक्षिण नायक नथी, तो दक्षिण नायक नास्ती ना, पण केम के ए तो नायिका ने तो प्रेम करे छे, पोतानी पत्नी ने प्रेम करे छे ऑलरेडी। दक्षिण नायक पोतानी पत्नी ने प्रेम करे अने पछी अन्य स्त्री ने प्रेम करे, ए दक्षिण नायक। तो जुदाई मा अनिल कपूर पोतानी पूर्व पत्नी ने प्रेम करे छे, पत्नी नथी करे। सत्यम प्रेमम करोति पण चेष्टा ने अभी सारी हृदय नासी ना प्रेम नासी छे अनिल कपूर जुदाई ने अंदर सरदय छे रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई एम बीन अटेंडिंग हिम समारोह फॉर लॉन्ग टाइम एंड एडप्टेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फिल्म्स एंड एडप्टेशन ऑफ फिल्म्स फ्रॉम लिटरेरी टेक्स्ट दैट इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग ऑफन इन इंग्लिश। वी सी ऑफन दीज पेपर्स इन इंग्लिश बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समबडी फ्रॉम संस्कृत फ्रॉम अ क्लासिकल लैंग्वेज एडप्टिंग द थियोरीज टू बॉम्बे बॉलीवुड फिल्म्स। अनदर थिंग व्हिच इंप्रेस्ड मी इज द वे यू स्पीक संस्कृत a classical language at this young age like your mother tongue, because for us Sanskrit is, you know, when I look at the Sanskrit words I really get intimidated and frightened because they appear to be so long. So I just like to ask you one simple question: how did you learn at this young age speaking so fluent Sanskrit, and from where did you learn it? Because I'm really impressed by the way you speak Sanskrit without any discomfort. कैसे आपने कहां से इतना सुंदर संस्कृत बोलना सीखा? आपका गुजरात से बुद्धा छोटा जाड़वा जी से सर इज अ प्रोडक्ट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी सर 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 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मुंबई થી તૈયાર થયેલા છે, આપણા સૌની માટે એક રોલ મોડેલ બની એવા છે, મારી પણ સેલ્યુટ છે। આઈ ઓલવેઝ બિલીવ ધેટ યુ નો આઈ ઓલવેઝ બિલીવ ધેટ સંસ્કૃત ટીચર્સ શુડ ટીચ ઇન સંસ્કૃત, English teachers teach in English, and you should become a role model for all. As a young scholar, if you can deliver your lectures fully fluently without any discomfort in Sanskrit, and I've seldom seen people, only people from Banaras in the university I've seen them speaking in Sanskrit. Otherwise, normally people prefer their mother tongue while delivering lectures in Sanskrit language. आपने दोनों चीजें देखी होगी क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, इसलिए वो फिल्म सिटी वाला पॉइंट भी आ रहा है। वो दोनों मैंने देखा और संस्कृत में बोलते हैं, अनगढ़ संस्कृत में बोलते हुए ये हमें आशा देती है कि संस्कृत भाषा जिंदा रहेगी। और मैं आगे भी चाहूंगा, पता नहीं सरकार क्यों नहीं कहती है कि संस्कृत में जब हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कॉलेज में संस्कृत का लेक्चर हो तो संस्कृत भाषा में ही होना चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ाने जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा में ही लेक्चर देते हैं, पता नहीं संस्कृत के ऐसा क्यों नहीं होता, ये मैं जानना चाहता हूँ। कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। बचपन में जैकेन जी सब सीखा था इंग्लिश मीडियम में, तब क्योंकि हम गुजराती थे तो हमें टीचर ये नहीं सिखाती थी कि जैकने झील पर्वत पर गया ने हमें आ करियो ते करियो। वी यूज्ड टू टीच इन इंग्लिश द पोएट्रीज द सेम स्टाइल। इफ वी There are two aspects of each and every language. The first is Sahitya Pakshaha, literature. The other is Vyavahar Pakshaha. Vyavahar Pakshaha, if you want to learn in Sanskrit, I would suggest you to take 10 days of camp of Sanskrit Bharati. They teach from basic, the spoken way. जैसे आप इंग्लिश में कराते हो 10 दिनों में इंग्लिश सीखो, वैसे 10 दिनों में संस्कृत सीख ली जा सकती है।
बट साहित्य पक्ष देखो कि कालिदास ने जो लिखा है, आचार्य हेमचंद्र जी ने जो लिखा है, वो आप उस संस्कृत से थोड़ा हेल्पफुल होगा, बट क्योंकि वो लिटरेचर वाला है तो आपको उसके लिए ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, व्याकरण का, लघु सिद्धांत का, व्याकरण, ये सब। सर ये मेरा प्रश्न प्रभुनाथ द्विवेदी जी से, मैडम से भी, संस्कृत के प्रोफेसर अंग्रेजी मतलब संस्कृत भाषा में क्यों क्लासरूम में नहीं पढ़ाते, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, पाली वाले सर अपने त्यां लैटिन में पढ़ाते हैं, अपनी मातृभाषा गुजराती छे, बराबर छे, अपनी पास जो ऑडियंस आवे छे ए गुजराती जो छे, अपनो बालक जे छे नहीं नहीं अपने त्यां प्राइमरी में प्रथम धोरण में संस्कृत मुख्य जो नथी, અને તમે કોલેજમાં સંસ્કૃત કઈ રીતે ભણાવી શકો, કેમ નથી, પહેલા ધોરણથી નહીં, સાતમા ધોરણથી સંસ્કૃત છે, ઇંગ્લિશ છે સાહેબ, ઇંગ્લિશ અત્યારે કેજીથી છે, કેમ નથી, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં બાળક ભણે છે ત્યારે સંસ્કૃતમાં તો કોલેજમાં જાય, પોઈન્ટ પોઈન્ટ મેડમ, આયા સેન્સ આયા સેન્સ આયા સેન્સ આયા સમાનિય આપકા પ્રશ્ન ઠીક હે ઓર हमारी छात्रा मंजुला बहन कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, हम रघुनाथ जी को भी सुनने वाले हैं, लेकिन गुजरात का ये जो माहौल बिगड़ा है उसकी नींव कहाँ पर है, वह पहले आज़ादी के बाद गुजरात महाराष्ट्र एक था, बम्बई प्रोविंस था, जिसके कारण पूरे गुजरात में जो भी रिक्रूट होके संस्कृत के टीचर्स आते थे वो महाराष्ट्र से आते थे, नंबर वन, और महाराष्ट्र स्कॉलर्स वो लोग संस्कृत को भाषा के रूप में नहीं देखते, संस्कृत उनके लिए ओरिएंटल सब्जेक्ट था, वो लोग बार बार ये बात स्पष्ट करते रहे हैं कि संस्कृत में लिखा हुआ ज्ञान वो हमारा उपास्य है, भाषा नहीं, इस कारण से वो लोग अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत साहित्य, संस्कृत शास्त्र सब पढ़ाते रहे, और दुर्भाग्य से आप मानोगे नहीं, उस पर बड़ा मेरा झगड़ा भी किसी से हुआ है, आरजी भंडारकर की जो मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांतर प्रवेशिका, उसके माध्यम से ही यहाँ पर संस्कृत सिखाई गई महाराष्ट्र स्कॉलर्स के द्वारा सिखाई गई, इतना कहना पर्याप्त नहीं है, क्या नहीं सिखाया वो कहना बहुत जरूरी है, यहाँ कदापि लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी अभ्यासक्रम में नहीं दाखिल हुई, कदापि नहीं हुई, ये एक आदमी आपके सामने जो खड़ा है जिसने गुजरात में व्याकरण को पॉपुलर करने का प्रयास कैसा किया है मैं मेरे मुंह से नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी का अनुवाद मैंने पूर्वार्ध किया, कहीं पर कोर्स में नहीं थी वो किताब, फिर भी उसकी 3 आवृत्ति यानी 3000 कॉपी निकल गई, और सारे देश के विभिन्न कोने से मुझे टोका जाता है कि उत्तरार्थ क्यों नहीं लिखते हैं, वो इतनी पॉपुलर हुई है कि आप जल्दी से उसको पूरा भी कीजिए, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ट्रेडिशन में जो महाराष्ट्र स्कॉलर